मैं अचानक से फिर से चुपके से लाइव आ गई हूँ। मुझे अभी बहुत सारे कमेंट आए हैं कि आप चुपके से लाइव आते हो, तो मैं फिर से चुपके से लाइव आ गई हूँ और आपको ये बताने के लिए लाइव आई हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी वो जो मैंने आज पोस्ट डाली है ना, उस पर कमेंट करो और अपने क्वेश्चन पूछो मुझसे। मैं जल्दी ही आपके सामने Q&A वीडियो लेके आऊँगी। तो कल सुबह तक आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछो, क्योंकि कल मैं वीडियो बनाऊँगी और फिर परसों मैं कहीं जाने वाली हूँ, तो उधर नेटवर्क प्रॉब्लम है तो वीडियोस आने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैं 1 हफ्ते के लिए जा रही हूँ समथिंग। कौन कौन जुड़ गया है, हाय तो लिख दो। ऊपर तो 0 दिखा रहा है, पर देखते हैं, शायद 2 लोग लाइक भी करना। सोनी जोशी, हेलो दी, हेलो सोनी, लाइक भी करना लाइक। हिमानी मेहता, हाय। हेलो नीरज, हेलो शिवानी, हेलो नेहा, हेलो कोमल, आपका नाम याद हो गया अब। हेलो रेशु, सभी को हेलो। हाय कविता, हाय संतोषी, हेलो सौरभ, सभी को हाय। लाइक भी करो, लाइक लाइक लाइक। हाँ हो गया, आपका हो गया। कैसी हो दी? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसी हो? अरे इधर दिल नहीं देने, उधर दो यार, एक बार बीच में टच करो और उसके बाद ऐसे करो, इसीलिए। बढ़िया, अच्छा, हो गया आपका डिनर सभी का। हाँ मेरा नाम याद कर लिया, हाँ क्योंकि मेरी फ्रेंड का नाम भी है ना कोमल, और यहाँ पे आपका नाम कुछ अलग ही है ना, वॉल्केनिक तभी। हाँ जी हमने खा लिया, आपने खा लिया सौरभ? जितेंद्र मेहता, वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम उत्तराखंड चंपावत। कैसी हो दी? मैं बढ़िया हूँ कोमल, आप बताओ आप कैसी हो? एक मिनट, हाँ एक मिनट, एक मिनट। अच्छा जी, हाँ ये भाई ने लिखा है ना, अच्छा, तो चेंज कर लो ना अपना नेम। चलती नाम सुना है आपने? हाँ, सुना है, चलती रास्ते में ही तो पड़ता है, यहाँ से जाते टाइम टनकपुर को। मैम भी बढ़िया दी, अच्छा। ग्रीस मेहरा, नमस्ते नमस्ते, लाइक भी तो करो फिर वीडियो। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो और देख 43 लोग रहे हो। हेलो दीपिका, हाय पैलाक, पैलाक पैलाक, जीते रहो। कैसे हो दीदी? मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, रोज़ देखा करो। आज मैंने अपनी कीर्तन वाली डांस की वीडियो डाली थी, उसमें इतने कम व्यूज़ आए हैं, क्या ही बताऊँ। मैंने शेयर नहीं की थी ना वो इंस्टा में, तो बहुत कम व्यूज़ आए हैं उसमें, तो उसको शेयर करो यार आप लोग। आजकल आप जल्दी लाइव आ जा रहे हो दी? हाँ क्योंकि आजकल अकेले है ना घर में, मेरी सासू माँ और मैं, इसीलिए। और कुछ दिनों बाद हमारे घर में बहुत सारे भीड़ होने वाली है, हमारी बाबू भी आने वाली है और मेरे भांजे भी आ जाएंगे, तो फिर टाइम नहीं रहेगा ना, तो क्या पता सभी लोगों के साथ आ जाऊँ लाइव, ऐसा भी हो सकता है। दीदी आज आपने कौन सी वीडियो नहीं देख पाई, मैं मैसेज आपने डिलीट कर दिया। कैसे हो दी? जीजू कैसे हैं? बढ़िया हैं जीजू भी, मैं भी बढ़िया हूँ। आप बहुत अच्छा ढोलक बजाते हो, अच्छा वो मैंने घर में ही सीखा था, ऐसी बजा तो मैं सब चीज़ लेती हूँ, ढोलक हारमोनियम तबला सब बजा लेती हूँ मैं। हाँ मैंने भी देखी आपका डांस, बहुत अच्छा लगा है ना इस दी। थैंक यू कोमल, शेयर करना अपनी मम्मी के फ़ोन के स्टेटस में लगा देना, ठीक है? आप जितने लोग भी देख रहे हो ना, आपकी मम्मी लोग के पास टच वाला फ़ोन तो होगा ही, तो उसमें स्टेटस लगा देना, ठीक है? मैं हूँ चंपावत से,
आज आपने, आप देखना मेरी प्रोफाइल में जाके, आपको पता चल जाएगा कौन सी वीडियो कौन सी पोस्ट डाली है। दी आजकल आपकी सास रोज लगा दिख जाती है। हाँ वो ना काम हो रहा है आजकल, जनेऊ है ना मेरे भांजों का, तो सामान वगैरह भिजवाना है, तो दिख जा रही होंगी, परसों भी दिख जाएंगे मैं भी वो भी। आपके हेयर काफ़ी लॉन्ग है। हाँ जी लॉन्ग है ही फिर। ओके दी हाँ जी। हेलो मोनिका, मैं लगाऊंगी आपसे। मैंने ना पोस्ट डाली है, तो आप लोग वहाँ जाके जल्दी से कमेंट करो, मतलब जो कुछ भी पूछना चाहते हो वहाँ पे पूछो, ठीक है? मैं वीडियो में दूंगी उसका आंसर, यहाँ पे तो मैं सिर्फ खाली ऐसी नॉर्मल बातचीत करने के लिए आई हूँ। रश्मि जोशी हेलो। हेलो रश्मि, आपके बाल सबको पसंद आ जाते हैं। हाँ मैं नहीं आती हूँ ना मेरे यार पिंपल हो गया है आज, जब घर में कोई फंक्शन होता है ना तो ये पिंपल मतलब आने जरूरी होते हैं। ये देखो आज तक बिल्कुल साफ था, क्लियर था फेस मेरा, अब ये यहाँ पे भी यहाँ पे भी और पूरे माथे में छोटे छोटे दाने हो गए हैं। ओके ओके आप देखना, आपसे मिलूँगी। हाँ अब टाइमिंग तो नहीं बता सकती हूँ कि कभी भी आ सकते हैं ना यहाँ से, तो लोहाघाट में थोड़ा बहुत काम भी है, तो देखो क्या होता है, सीधे गाँव को जाते हैं या फिर पता नहीं। दिव्यांशु गिरी चंपावत यूके। हाँ जी मैं भी चंपावत से हूँ। और ठंडा कम हो गया आप लोगों के यहाँ, और गर्मी स्टार्ट हो गई होगी प्लेन्स वालों की तरफ को, तो आप तो बहुत क्यूट होती, हम सभी पसंद आते हैं। व्यूज़ तो नहीं आते हैं मेरे वीडियोस में, मुझे तो ये समझ नहीं आता है ना कि जैसे और लोग जिनके बहुत सारे व्यूज़ आ जाते हैं, मतलब एक दो दिन में मतलब कि 30K से ऊपर कोई आ जाते हैं, ठीक है, उनके जैसे सेम मैं भी बनाती हूँ वीडियोस, मेरे 1000 तक भी नहीं पहुँचते, बल्कि उनसे अच्छे ही होते होंगे, इतना तो मैं वो करती हूँ, क्योंकि लोग तो हर एक चीज़ डालते हैं, मतलब डेली व्लॉग मतलब मज़ा नहीं आता है मुझे, मैं दिखाना मैं भी चाहती हूँ कि डेली, फिर मैं सोचती हूँ यार सबके घरों में एक जैसा ही होता होगा डेली लाइफ, वही झाड़ू पोछा खाना पीना वही मजाक मस्ती सबकी होती है ना, तो मेरे को अच्छा नहीं, मैं कहती यार बोर हो जाते होंगे लोग, तो मैं इस वजह से डेली व्लॉग नहीं कर पाती हूँ। ओए होए हेलो ओए होए संतोषी सेट्टी, आप बहुत क्यूट होती, मैंने आपको देखा है। थैंक यू, कहाँ देखा है मुझे, जगह का नाम भी तो बताओ, लाइक भी तो करो फिर, वीडियो देख रहे हो तो नीचे ऑप्शन तो आता है। और कोई मुझे मेरे डार्क सर्कल का उपाय बताएगा क्या जिससे कम हुई? कैसी लग रही है ये हेयर स्टाइल? हाँ मैं खाना खा के अपने रूम पे आ गई, यहीं चंपावत चौरा सिटी में घूमने आए थे आप अपनी सास के साथ? हाँ वहीं तो आते रहते हैं हम। अच्छा तब देखा होगा ना। कैसी हो जीविका जी? मैं बढ़िया हूँ जी, आप बताइए कैसे हो? हाँ ऐसी हेयर स्टाइल कैसी लग रही है बताओ, ये वाली अच्छे से बनाऊंगी। सोनम देवी हाय निहादी, हेलो सोनम। यार मेरे को हेयर स्टाइल बनानी नहीं आती है, तभी मैं हर वीडियो में सिंपल बनाती हूँ, या खोल दो बालों को बस ऐसे। कैसी लग रही हूँ बताओ? योगिता फुलारा हेलो दी। हेलो योगिता कैसी हो? हेलो प्रिया मैं बढ़िया हूँ, आप लोग कैसे हो सभी लोग? हेलो गीता बिस्ट हेलो हेलो हेलो, मैं भी बढ़िया हूँ योगिता। हाँ मेरे पे ना और बिना मेकअप के, मैं भी ऐसी
कहने वाली थी, मेरे बालों में हेयर स्टाइल भी तो नहीं बनती है, वो स्प्रे करना पड़ता है जैसे पार्लर वाले करते हैं ना, टिकता ही नहीं है हेयर स्टाइल, कैसा भी बनाओ कोई बाल बीच से निकल जाते हैं, चुटिया खुल जाती है, मतलब आगे से वो वाली भी बनाऊं तो ना। और बताओ फिर आप लोग, क्या हो रही है आप लोगों की? हाय हिमू, हेमा नाम है आप, कुछ और नाम है पता नहीं। भगवान सिंह, हेलो दी, हेलो भगवान सिंह। मैंने कल आपको देखा, मैं कल कहाँ आई थी? कल मैं कहाँ गई थी मुझे नहीं पता, मैं कहाँ गई थी कल, कहाँ देखा आपने मेरे को? हाय कैसे हो जी, मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? दीपू जोशी, हाँ जी हाँ जी, आप घूमने जा रही थी? अच्छा, किधर को गई? मेरे को तो याद ही नहीं है कहाँ को गई थी मैं घूमने। हाँ आगे को गए थे, फुलार गांव को। बढ़िया हूँ, आप कैसे हो भगवान? हाँ जी मनोज जी, हो गया आपका, हो गया श्री राधे 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 राधे। बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? नरेंद्र तनवार जी, सब बढ़िया है मेरे घर में, आप बताओ आप लोग कैसे हो, आपके घर में सब बढ़िया? नहीं, अच्छा, मैं भी बढ़िया हूँ। अच्छा आज अम्मा जी कहाँ हैं दी? वो उधर अपने रूम में हैं, मैं इधर हूँ, आज हम दोनों अकेले हैं ना, तो हर जगह चाहिए कोई, तभी अभी तो पहुँचे हैं। अच्छा, आपके सास के साथ घूम रही थी? हाँ वही हुई साथी, किसके साथ जाऊँ, और कोई साथी नहीं है घूमने वाला। हाँ जी हो गया खाना तो हमारा, अंजू भट्ट है, हेलो दी की है रे, बस बढ़िया है रे, तुम सुना तुम्हारी की है रे? हाँ गणपति पैलेस के पास, अच्छा, वहाँ पे देखा होगा ना, ठीक। कहाँ से हो आप? मैं हूँ उत्तराखंड में, चंपावत से। खाने में बनाया था आलू गोभी की सब्जी, मट्ठा रोटी, स्क्रीन पर नेपू बसान कॉलर साथ में। क्या मतलब, क्या अच्छा, स्क्रीन पर नींबू बेसन कोलगेट साथ में मिला के लगाना है, किस चीज़ के लिए? दानों के लिए क्या? मुझे आपका मेकअप अच्छा लगा, थैंक यू। बड़ी हरे हो, अच्छा, पहाड़ी अच्छी है आपकी। हाँ जी हम कुमाऊनी है ना, बहुत सुंदर होती, थैंक यू सो मच हेमू, गुड। हाँ जी ती, आपकी कोई ननद नहीं है क्या? ननद तो नहीं है मेरी कोई, मतलब हमारी सबसे बड़ी दीदी हैं, उनके दो बेटे हैं, ननद तो नहीं है, नंदी सास है। आओ कभी श्रीनगर घूमने, जरूर आएंगे जी। पिथौरागढ़ में रहे हो कभी? नहीं मैं अभी तक पिथौरागढ़ गई नहीं हूँ, बस लोहाघाट तक गई हूँ, लोहाघाट से टनकपुर, खटीमा, नैनीताल, बरेली, दिल्ली, हल्द्वानी और भी बहुत जगह गई हूँ, लेकिन पिथौरागढ़ नहीं गई हूँ। बहुत जल्दी आएंगे अब पिथौरागढ़। आप लोहाघाट कब आओगे? लोहाघाट जल्दी ही आने वाली हूँ। हाय दी, हेलो 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 प्रीति, क्या बोलते हैं, मैं जाने वाली हूँ मेले में, शायद जा सकती हूँ, पक्का नहीं है, अष्टमी के दिन। अब वो लोहाघाट में कहाँ होता है मेला अष्टमी का, वो आप लोग जो लोहाघाट के हो आप लोगों को पता होगा, वहाँ शायद आ जाऊँ, मिलते तो हूँ नहीं कभी, मैं कहीं जाती ही नहीं हूँ यार, मार्केट गई तो गई, या फिर कहीं काम होता है तब जाती हूँ, नहीं तो मैं ऐसे जाती नहीं हूँ कहीं। आप लोग को दिखती हूँ तो आप लोग बोल जाया करो, आपके हस्बैंड नहीं आए हैं? अभी तो नहीं आए हैं, अब आएंगे वो भी। चंपावत में क्या है घूमने के लिए? जहाँ जहाँ मैं गई हूँ
वहाँ वहाँ मैं बताती हूँ, और जहाँ होगी जगह घूमने की वो उतना मुझे नहीं पता, फ्यूचर में पता होगा, मैं जाऊँगी तो आप लोगों को मेरे ब्लॉग के माध्यम से पता चल जाएगा घूमने के लिए क्या क्या है। तो अभी तो फ़िलहाल टी गार्डन है, और बालेश्वर मंदिर है, गोलजू मंदिर है, क्रांतेश्वर मंदिर है, हिंगला देवी है, और घटकू मंदिर है जो पास पास में है चंपावत से, बस अभी, और मानेश्वर है, और तो अब इतना ही बताया मुझे यहाँ का। याद करना जी। ओके जी, ज़रूर करेंगे याद। सोनम देवी, आपने मेरा नाम नहीं लिया, ले लिया अब। अच्छा हाँ जी, लोहाघाट कब आओगे? जल्दी ही आएंगे आस्था मेरा। हेलो दीदी, हेलो आस्था, थैंक यू। आई एम गेमर। हो गया खाना? हाँ हो गया, आपका हो गया? हेलो मामी, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ आप कैसी हो? यस जी दी, कभी बागेश्वर भी आना। हाँ जरूर आएंगे, मेरी एक फ्रेंड है वहाँ की, आएंगे जरूर। घर के ऊपर भी आई मैं बहुत बारी, तो वो घर के ऊपर आए तो नीचे भी तो आ सकते हो गेट खोल के, सब लोग आ जाते हैं, आप क्यों नहीं आई? बेबी कब प्लान कर रहे हो? अभी तो मैं खुद बेबी हूँ यार, कहाँ बेबी की बात कर रहे हो? आपका ससुराल कहाँ है? मेरा ससुराल भी चंपावत में ही है। बिंदुखत्ता आए हो कभी? बिंदुखत्ता तो नहीं आई हूँ, बस बस से देखा है शायद। बिंदुखत्ता बस से दिखता है या लाल कुआं हुआ यार वो तो शायद, पता नहीं, नहीं पता हल्द्वानी का इतना, अभी बहुत कुछ है। अच्छा, हाँ वही तो बहुत कुछ है। सिस्टर भी हैं आपकी? हाँ जी सिस्टर है मेरी, एक मौसी की बेटी है, एक चाचा की बेटी है, दो ताऊ की बेटियां हैं। भाई बेबी का प्लान कर रहे हो तुम तो, ऐसे इतने मैसेज ऐसे कर दे रहे हो जैसे कि बाप रे, डर लगता है, किस चीज़ से डर लगता है यार। सलोनी मेहर, हमारा भी रिप्लाई ले दे दो भाभी। अरे आपने कहाँ किया? मैंने देखा ही नहीं, अभी देख रही हूँ आपका मैसेज तो। मैं आपने नहीं किया है कोई रिप्लाई, मतलब सॉरी मैसेज। लाल कुआं रहता हूँ मैं। अच्छा, ठीक ठीक भयोला, ठीक भयो, कहीं आप घर में ना हो और मैं घर पहुंच गई। बताऊं कब होंगी मैं घर में? आप आना 25 के बाद, इसी 25 के बाद आना आप, ठीक है? मैं घर पे ही रहूँगी, कहीं नहीं जाऊँगी। प्रीति भट्ट, अभी तो काशीपुर में भी होता है ना मेला, बाल सुंदरी मंदिर में। यार मुझे नहीं पता काशीपुर का तो, क्योंकि मैं अभी वहाँ आई नहीं हूँ, इसीलिए मैं इधर की बात कर रही हूँ ना, उत्तराखंड चंपावत की बात कर रही हूँ, चंपावत, काशीपुर की बात नहीं कर रही। भाई के साथ वृंदावन घूमना? हाँ जी प्लान तो बनाया है, देखो क्या होता है। आपके बाल बहुत सुंदर हैं, खोल के रखा करो दी। यार पता है जब मेरी शादी हुई थी ना, तब मैंने अपने बाल ऐसे, मैं जहाँ जाती थी मैं बाल खोल के जाती थी, मेरे बालों का हो गया सत्यानाश। मेरे इतने मोटे बाल थे, अब कुछ रह ही नहीं गए हैं बाल, मतलब जितनी अभी हैं मेरी एक साइड की चुटिया बनती थी इतनी, अब कुछ बाल ही नहीं है मेरे। कमुदा के लिए लड़की ढूंढो भाभी। गरिमा बोहरा, कौन से कमुदा के लिए? खटीमा कौन सी जगह है आपका मायका? मेरा है खटीमा शिव कॉलोनी में, पीलीभीत रोड वाली शिव कॉलोनी में है। ओके, आजकल तो मैं यहाँ नहीं हूँ, जब आऊँगी तो मिलूँगी, एक बार ही मिली आपसे, तब भी आपका लेट हो रहा था। हाँ उस दिन तो लेट हो रहा था, गाड़ी मिल गई थी ना हमको, तभी जरूर मिलना। मम्मी, सासू मॉम है मेरी, अभी उस साइड रूम में है वो। लव फ्रॉम अल्मोड़ा। अच्छा जी, रंजीत सिंह, हाय, हेलो रंजीत। तरुण पांडे किदा? अच्छा ठीक, हाँ उनके लिए एक बार ढूंढी थी पर उस बेचारे की शादी हो गई।
फिर अब ढूंढेंगे, जरूर ढूंढेंगे उनके लिए। हाय वेशु, हाय, हेलो स्मृति, कहाँ से हो? हम हैं चंपावत से। नेहू बिस्ट, हेलो हेलो नेहा, गोली हाट आओ थी कभी महाकाली के दर्शन करने? हाँ आएंगे, अब जरूर आएंगे। ओहो हाँ जी, हेलो दी, हेलो पहाड़ी छोरी, आपका मायका कहाँ है? मेरा मायका है खटीमा, सुना है आपने खटीमा नेम? वहीं है मेरा मायका। कोई पहाड़ी सॉन्ग सिंग करो, कौन सा पहाड़ी बताओ। ऊपर को नहीं जाते कभी पॉलिटेक्निक के पास, वहाँ को तो नहीं जाते यार, पर हम पता है कहाँ से आते हैं घूमने के लिए, यहाँ से ग्रीस से ऊपर से उधर जो मंदिर, वहाँ से इधर से जहाँ ये क्या बोलते हैं, वहाँ से फिर जाते हैं, फिर जीवन अनुभव से सीधा रूडी रूड अपने घर पे। कोई सा भी सुना दो। अच्छा सासू मॉम है बगल वाले रूम पे। खटीमा कहाँ से? मैं वहीं से हूँ, खटीमा हूँ शिव कॉलोनी से। बलिनो मांगू रोज रोज कुमाऊं की सरत बोलो, रोज रोज कुमाऊं की सरत प्यार बलिनो मांग। वॉइस कट रही है आपकी, नेट स्लो है इसीलिए। जी थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर कहने के लिए। ओके पोस्ट डालिए, आपको जो भी क्वेश्चन करना हो उससे वहां जाके कर सकते हो, कल वीडियो आएगी। क्या चंपावत कौन सी जगह से? चंपावत मैं हूँ कोतवाली के पास से। पांचवा है हमारा, पांचवा। किसी से उनसे मिलना हो तो जरूर आ सकते हो। भाई कड़बल की मजाक कर रही हूँ दी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, नेट स्लो है ना इसीलिए। कल आंगनबाड़ी में जहाँ पर मंदिर है भजन करेंगे, दीपक आई के साथ। उनसे बोलना ना, उनसे बोलना आंटी फोन कर, फिर आएंगे आप करना, ठीक है? उनसे बोलना फोन करो, जरूर आऊंगी अगर घर में हुए तो। सीमा सीमा हेलो भाभी, हेलो सीमा, हेलो निहादी कैसे हो? बढ़िया भूमि, आप कैसी हो? यार पता है मेरे साथ इतनी खुजली लग रही है ना, बहुत डेंट हो गया है, वॉइस कट रही है आपकी, क्या करूं फिर? लाओ अब नेट तो चला है। सॉरी फोन गिर गया यार। हम भी ठीक हैं दी, और दी नवरात्रि का फास्ट? नहीं यार नवरात्रि के फास्ट नहीं है मेरे। हेलो यार, हेलो प्रदीप, लॉन्ग हेयर का राज किया है वो, आपको कल वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। हेमू बोहरा, पुलिस लाइन के पास आना दी, हम लेने आ जाएंगे, भजन करेंगे और आप डांस भी करोगे, आप डांस अच्छा करते हो। अच्छा ठीक है, आप लोग आना तो सही, आप लोग मेरे घर पे ही आ जाना बुलाने,
नेट स्लो चल रहा है आपका? हाँ अभी ठीक चल रहा होगा, अभी फुल नेटवर्क है। ईशु कोहली लोधी, हेलो। हाँ यार डैंड्रफ हो गया इसीलिए अब आप रोज स्नान कर रहे। ठीक स्नान तो रोज करती हूँ, बाल नहीं धो सकती हूँ ना रोज, ये आजकल यहाँ हो ही जा रहा है यार। ध्यान अपना रूम दिखाओ यार, रूम बहुत मैसी हो रहा है, मैं नहीं दिखा रही मेरे कपड़े भरे पड़े हैं, मैंने कपड़े धोए थे ना वो फोल्ड ही नहीं करे हैं, तो यहाँ पे वो है और मेरी पैकिंग हो रही है तो यहाँ पे बैग भी है, इसीलिए अभी नहीं दिखा रही मैं। कहाँ से हो? मैं हूँ चंपावत से। हेलो अरविंद, दी खाना हो गया है? हाँ जी हो गया, आपका हो गया। गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट। यार क्या करूँ, वॉइस कट के आ रही है तू। ठीक है कल आएंगे पक्का ना, तामा मत देना फिर घर पे आना ठीक है बुलाने। खटीमा में कहाँ से हो? खटीमा में शिव कॉलोनी तो सुना ही होगा, वहां से दी आप लोग में अपना घर दिखाना। यार जब हमारा नया घर बनेगा ना तब दिखाऊंगी, क्योंकि अभी ये हमारा पुराना घर है ना, और यहाँ पे पहले ये रूम है जो मेरा सेट है रूम वाला, यहाँ पे रेंट वाला रूम था ये, तो अब रेंट वाले चले गए हैं मेरी शादी से पहले, तो अब हम लोग रहते हैं यहाँ पे, और तो इसीलिए मैं नहीं दिखाती हूँ, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता ऐसे दिखाना, बस इसलिए होम टूर नहीं करती हूँ मैं। कहाँ से हो आप? मैं हूँ चंपावत से। दी कहाँ जा रहे हो आप? मैं जनेऊ में जा रही हूँ, और आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि मैं वहाँ जाऊँगी तो वहाँ मेरा नेट चलता ही नहीं, मतलब कि व्लॉग आएंगे ही नहीं वहाँ से, तो मैं एक हफ्ते के लिए जा रही हूँ वहाँ, पहले ही 18 को है जनेऊ, तो प्लीज़ आप लोग मुझसे जुड़े रहना और मेरी वीडियोस बार 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 देखते रहना और कमेंट करते रहना वीडियोस में रोज़ रोज़। ठीक है मैं देखते रहूँगी, शॉर्ट्स वीडियोस डालेंगी तो मैं वो ज़रूर डालूँगी। ठीक है अच्छा लग रहा। अच्छा दीदी रूम दिखाओ। अरे कोई ना, सब अपने भाई वाली हैं, दिखाओ अभी दिखाती हूँ फिर। आर्मी बॉय की तरफ से आपको प्रणाम, मेरा प्रणाम प्रणाम, तामा नहीं आ जाऊंगी। ठीक है यहाँ के पानी से डैंड्रफ हो जा? अरे हमारे घर का यहाँ का पानी तो इतना गंदा है भाई, इतना मतलब मेरे इतने बाल झड़ते हैं ना, मैं बाल ही नहीं बनाती हूँ जब मैं कहीं जाती हूँ, तो बस ऊपर से सुलझती हूँ, यहाँ से यहाँ तक सुलझती हूँ, नीचे को मैं ऐसे ही बना के ले जाती हूँ। कभी गौर करना मेरी चुटिया पे, आप लोग पूरे उलझे हुए दिखेंगे। हाँ मैं भी वहाँ से हूँ। अच्छा, आई एम योर ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। थैंक यू सो मच अरबाज। आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी को हो गया है 1.5 साल, 1 साल 4 महीने। ओके दी कोई बात नहीं। हाँ जी दी आपके ससुर जी क्या कर रहे हैं? मेरे ससुर जी गए हैं अपनी बेटी के घर, जहाँ जनेव है वहाँ चले गए हैं वो, अब मेरी सास और मैं हैं घर में, अब हम जाने वाले हैं कल या परसों, परसों को जाएंगे जहाँ तक है, क्योंकि कल तो संडे है, इसीलिए पैकिंग करने के लिए। आप कहाँ जा रहे हो? जनेऊ में। जनेऊ में कौन सी जगह जा रही होती? जगह है आप जानते होगे कि नहीं, पता नहीं, मैं मतलब कि जनेऊ में जा रही हूँ अपने मायके, पहाड़ वाले मायके, वहाँ मेरी मतलब मेरी नंदी सास है जो, उनकी शादी वहीं हुई है ना मेरे मायके से, तो हम वहीं जाने वाले हैं। होम टूर मत दीजिए, थोड़ा प्राइवेसी रखिए। हाँ जी वही तो मैं कह रही हूँ ना, ये लोग बोलते हैं कि होम टूर करवाइए, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, बस मेरे रूम तक ही सही है और नेचुरल, मैं तभी तो डेली व्लॉग भी नहीं करती हूँ, क्योंकि हमारा घर है मेन रोड पे, वैसे तो यहाँ पे कोतवाली है, हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, फिर भी ना अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए थोड़ा बहुत प्राइवेसी चाहिए। व्लॉगिंग करती हूँ ठीक है, मैं नॉर्मल वीडियोस डालती हूँ कभी कुछ, लेकिन होम टूर तो मैं मुश्किल है, सब मना ही करेंगे मुझे होम टूर के लिए, वैसे भी सबकी परमिशन भी तो लेनी पड़ेगी ना घर में।
ओके हाँ जी मैं जा रही हूँ रेगड़ू। ओके दी हाँ जी। हाय भाभी जी कैसे हो? बढ़िया हैं जी, आप बताइए आप कैसे हो? दी रोज़ आपकी वीडियो देखती हूँ, बहुत अच्छी वीडियो है आपकी। थैंक यू भूमि। हाय नेहा नेहा। हेलो पवन। मैं जा रही हूँ रेगड़ू। रेगड़ू तो सुना ही होगा आपने नाम। हाँ मेरे तो सारे बाल गिर गए थे शादी से पहले, अब सही हो गए। अच्छा। अरे अभी तो 1 साल हुआ है मेरी शादी को, अभी मेरे कोई बच्चे नहीं है। दी आपके ससुर जी क्या करते हैं? मेरे ससुर जी रिटायर्ड है, उससे उद्यान विभाग से रिटायर्ड है मेरे ससुर जी। दी मेरा भी नेट नहीं चल रहा। हाँ स्लो है नेट। आपके हबी कौन सी यूनिट में है? मेरे हबी हैं, अब बता ही देती हूँ आप लोगों को, वैसे तो पता ही होगा, वो ITBP में है। अब यूनिट और मतलब ये पर्सनल डिटेल मैं नहीं दे सकती हूँ आपको, बस इतना जान लीजिए, बस बहुत है। नहीं कोई चिल्ड्रन नहीं है, आपको पता चल गया होगा कुलदीप जी, अब मैंने बता दिया आपके। हाँ यार थ्रेडिंग करी थी ना, थ्रेडिंग के बाद हो जाते हैं यहाँ पे भी। हेलो मधु। 13K सब्सक्राइबर, 420 वीडियोस। हाँ जी थैंक यू सो मच। और पता है 1 साल में मेरे 12,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, मतलब मुझे बहुत खुशी होती है बहुत ज़्यादा। पर मेरे डॉलर नहीं बन रहे हैं ना, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं इसीलिए, और थोड़ा कुछ वीडियोस में कॉपीराइट लग गया है ना इसीलिए। हाँ जी हाँ जी। पहाड़ में आपका मायका कहाँ है? पहाड़ में है रेगड़ू मेरा मायका, और वैसे है मेरा मायका खटीमा। सबको खुश रखना जरूरी नहीं है, कुछ होता है तो प्रॉब्लम आपको अकेले ही फेस करना पड़ेगा। हाँ ये तो सही कह रहे हो आप, इंस्टाग्राम पे। क्या इंस्टाग्राम पे आपके फेस में? यार सिया हो रहे हैं। भाभी किसका जनेब है? हिमांशु लोगों का, हिमांशु और करण का। धनिए का पानी पियो सब सही हो जाता है, ऐसा भी होता है क्या? भास्कर दी मैं उड़ीसा रायगढ़ उमर कोट से बिग फैन। थैंक यू सो मच भास्कर। देखो 26 लोग जुड़े हैं और लाइक देखो कितने लोगों ने की है वीडियो। गंदे हो आप सभी ना। डॉलर्स की क्या ज़रूरत है आपको? अरे यार डॉलर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक होता है ना यार, मेरे साथ के जितने भी थे, मेरे साथ के क्या मतलब, मेरे से बाद बाद में 6 महीने हो रहे हैं जिन लोगों को, उनके इतने अच्छे व्यूज़ आते हैं। एक होता है ना यार, वीडियोस बना रही हूँ तो थोड़ा मतलब अच्छा रिस्पॉन्स तो मिलना चाहिए ना मुझे भी, तो डॉलर्स की तो कोई ज़रूरत नहीं है, बस व्यूवर्स अच्छे हों। और मेरे को सब्सक्राइबर भी नहीं चाहिए, बस मेरे व्यूज़ अच्छे आए। क्योंकि जैसे मैं अब सब मतलब मिनिमम लोगों को यहाँ पता है कि मैं व्लॉग बनाती हूँ, तो कोई पूछता है ना कैसे आते हैं व्यूज़, तो वहाँ पे शर्म लगती है कि यार मेरे 1,000 ही आते हैं व्यूज़ ऐसे कहने में। तो इसीलिए आप लोग शेयर करना मेरे व्लॉग। कुलदीप मेरे हस्बैंड हैं, मेरा नाम नैना है। अच्छा, ठीक। तो आप ना अपना नेम चेंज कर लेना सेटिंग में जाके। रायपुर पता है दी तुमको? नाम सुना है बस, अब कहाँ है किधर है वो नहीं पता भास्कर। मैं हूँ उत्तराखंड चंपावत से। हाँ मेरे भी बहुत होते थे पहले, रात भर धनिया का को भिगा के रखो, सुबह पानी पियो सही हो जाएगा। अच्छा ठीक है। मेरे ऐसे तो नहीं होते हैं, जब मैं थ्रेडिंग वगैरह करती हूँ ना तब हो जाते हैं माथे पे। मनीष सुन ली हाय हेलो। मेरा मैसेज क्यों नहीं पढ़ रहे? आपका मैसेज ही नहीं दिखा मुझे, कैसे पढ़ूँ मैसेज बताओ? सब्सक्राइब कर दो कहा है शायद आपने, सो अब हो गया ठीक है। मुझे भी कर दीजिए आप सब्सक्राइब, अच्छे व्यूज़ के लिए बहुत मेकअप करना पड़ता है।
ये भी सही कहा, पर हमें मेकअप की ज़रूरत नहीं है और मुझे पसंद भी नहीं है। और जैसे अब पार्लर से इनविटेशन आता है तो वहाँ तो जाना पड़ता है हमको, तो मुझे मेकअप इतना पसंद भी नहीं है और मैं करती भी नहीं हूँ। नॉर्मल तो सब करते ही हैं। बस भुवनेश्वर बता दी। हाँ जी भुवनेश्वर तो पता है। आपका मायका कहाँ है मयंक? मेरा मायका है मयंक खटीमा। हेलो दी, आपके ब्लॉग्स बहुत अच्छे हैं। थैंक यू रितु दी, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो दी। थैंक यू सो मच कोमल। मैं धारचूला से हूँ। अच्छा, और मैं हूँ चंपावत से। आप बहुत क्यूट हो। थैंक यू सो मच दिया। ओके हाँ जी, थ्रेडिंग के बाद जो मतलब अच्छा हाँ ना, उससे भी होता होगा, पर मैंने मॉइस्चराइजर तो नहीं लगाया था। मैंने उसके बाद फेस पे मसाज भी करवाई थी ना, तो सीरम लगाया था उन लोगों ने। ऐसा तो कुछ नहीं होता है वैसे, वो उससे हो जाता है, जैसे वो तागा पकड़ते हैं ना उसमें जो थूक लगता है ना, उससे भी हो जाता है। दी, आपका विलेज सिटी कहाँ है? उत्तराखंड सुना है भास्कर आपने नाम? उत्तराखंड सुना होगा ज़रूर। उत्तराखंड में चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है हमारा गांव, विलेज जो भी है। मैं भी धारचूला से हूँ। अच्छा, थैंक यू हिमानी मसेरा। यो यो यो, आपके हेयर बड़े अच्छे हैं। थैंक यू सो मच हिमानी। बोजी सम्या, चमोली वाले हो शायद आप भी। हेलो दी, हेलो द के बी दी। भुवनेश्वर से हमारा विलेज सिटी 670 किलोमीटर। बाप रे। वैसे पता है हम लोग मतलब जो उत्तराखंड वाले हैं और जो मेन ये लोहाघाट चंपावत वाले हैं ना, पता है हम लोग, मैं तो खुद को इतना लकी समझती हूँ कि मैं लोहाघाट चंपावत इस एरिया में रहती हूँ। क्योंकि पता है मतलब जैसे मेरे फ्रेंड लोग हैं ना, वो पिथौरागढ़ के हैं, उन लोगों का पूरा दिन लग जाता है अपने गांव जाने में। शाम को वो पिथौरागढ़ पहुंचते हैं 6 बजे, 6 बजे या फिर 2-3 बजे, आजकल तो जल्दी पहुंच जाते हैं क्योंकि रोड सही हो गई। फिर वहाँ से भी उनका उनके गांव जाने का 2-3 घंटे का रास्ता होता है। और हमारा तो क्या होता है, जैसे हम खटीमा से अपने घर आते थे लोहाघाट पहले, शादी से पहले, तो हम पहुंच जाते थे 3 घंटे में, तो हम यहाँ पहुंच जाते थे। जैसे सुबह 8 बजे निकले तो 11 बजे तक हम, 11 साढ़े 11 तक हम लोहाघाट पहुंच जाते थे। और वहाँ से हमारा घर है 15 किलोमीटर, 15 मिनट का रास्ता है, 12-13 किलोमीटर है, तो हम इतने आराम से पहुंच जाते थे। वही मेरी फ्रेंड लोग हमारे साथ जाते थे, वो कहते थे रात 8 बजे पहुँचे। मतलब हम लोग कितने लकी है ना कि हमारा इतना अच्छी जगह घर है। दी, आप पहले दिन बैंड खाने क्या बंद लॉज खाने आए थे ना? बंद लॉज खाने वहाँ कहाँ आई थी? उधर क्या है नाम, सुई वाले रास्ते में, गोल गोरल जोड़ कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं वहाँ का नाम? सुई वाला, वही गोरल जोड़ कहते हैं, क्या कहते हैं मैं भूल गई। ना जी ना, कहाँ से हो? मैं हूँ चंपावत से। फिर ध्यान नहीं दिया मुझे, पता है आपके मैसेज स्किप हो जा रहे हैं। 1 मिनट, व्यू वो करना पड़ रहा है। ओके मैं कर दूंगी पहाड़ी भाई आपको सब्सक्राइब। आपका मायका खटीमा में कहाँ है? मेरा मायका खटीमा में, हम भी खटीमा के ही हैं। अच्छा, मेरा है शिव कॉलोनी में, पीलीभीत रोड वाली शिव कॉलोनी। आप तो ब्लॉग अच्छे बनाते हो। थैंक यू सो मच पौड़ी गढ़वाल। अच्छा, अब तो ब्लॉग अच्छे बनाते हो, पर पता नहीं क्यों आपके व्यूज़ क्यों नहीं आते। वही तो मैं भी अभी यही बात कर रही थी, मेरे व्यूज़ ही नहीं आते हैं, पता नहीं मतलब क्यों नहीं आते हैं, मुझे भी नहीं पता। यूट्यूब वालों को पसंद नहीं आते हैं शायद। नहीं थी, बस नेम सुना है कि मुंबई हैदराबाद दिल्ली, सिर्फ नेम सुना है गुजरात। अच्छा, तो कभी आपको मौका मिले तो ज़रूर आना यहाँ चंपावत में। यार मैं कुमाऊनी हूँ, मुझे गढ़वाली नहीं आती है, कुमाऊनी आती है। कॉन्ग्रेचुलेशन दी फॉर टॉकिंग। थैंक यू सो मच। मेरे लाइव आने से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं और मेरे व्यूज़ बुस्से हो जाते हैं, पता नहीं क्यों होता है ऐसा। भाभी आपके हेयर हमेशा इतने ही थे या अभी कुछ टाइम से इतने हुए?
यार स्कूल टाइम पे कितने थे? इतने थे, सच बताऊँ तो इतने थे स्कूल टाइम तक। उसके बाद बढ़े हैं। जब मैंने 12th पास आउट किया था, 12th पास आउट के बाद मैंने किया है 12th 2017 में। उसके बाद गलचौड़ा, हाँ जी बता दिया, मेरी पति देव ने, वही है शायद या कोई और है, पता नहीं। लव यू दी, थैंक यू सो मच। एक बात बोलूँ, आप कुमाऊनी में बात करो, मैं कुमाऊनी में बात करती लेकिन ना यहाँ पे बहुत सारे लोग बाहर से भी जुड़े हैं, इसीलिए मैं बात नहीं कर पाऊँगी। थैंक यू कुलदीप जी, गढ़वाली नहीं आंदी आप, थैंक यू यार। मैं कुमैया छूँ, मैं का कुमैया हूँ जी, गढ़वाली न हूँ। लाइव से वीडियो की रीच थोड़ी सी कम होती है। अच्छा ऐसा भी होता है क्या? पर मैं आजकल एक एक महीने में दो बार आई हूँ इस बार तो मैं लाइव, बहुत टाइम बाद। दीदी मैसेज का रिप्लाई देते हो, थैंक यू दी। कोई नहीं भास्कर, मेरा तो काम ही है रिप्लाई देने का। गलचौड़ा, हाँ बता दिया नेम गलचौड़ा। हेलो साहिल, मैंने आपको मानेश्वर पार्क में देखा था। कब देखा आपने मानेश्वर पार्क में? मैं तो कब से आई नहीं हूँ वहाँ। कब देखा आपने? कब आई थी? मैं अपने हस्बैंड के साथ आई थी, तब से तो मैं आई नहीं हूँ वहाँ। दीदी मिस यू, ओ बाबा मिस यू टू। ला भाई बढ़िया तो छे, होई होई, चलो बोले तो सही। थैंक्स नेहा, आप अपने हस्बैंड क्या दी ओडिया पता है आपको? ओडिया मतलब चले गए क्या सारे वो लोग, वो हेमू कोमल लोग फोटोशूट कर रहे थे आप? अच्छा ठीक ठीक मैं अपने हस्बैंड के साथ आई थी, तब तो हम कहीं से आ रहे थे उस टाइम यार, कहीं जनेऊ में गए थे उस टाइम हम, पिछले साल की बात है ना, एक साल हो गया है अब तो, बहुत टाइम हो गया है। हाँ दी आज मेरे भी 73 के हो गए हैं, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत ज़्यादा। ऐसे ही ग्रो करते रहो और मेहनत करते रहो, बहुत बहुत बधाई हो। और आप अपने मेरे अपने चैनल में मेरा चैनल का नाम भी ले लेना फिर, आपके तो इतने सारे हैं। कितना टाइम हो गया आपको पे? दी आपके बाल इतने लंबे कैसे हो गए? यार ये ना कल आपको वीडियो में बताऊंगी मैं, ठीक। मैंने पोस्ट करी है एक, उस पर नीचे जाके कमेंट कर देना, वहाँ पे कल बनाऊंगी मैं वीडियो। और कल वीडियो आएगी या तो दिन में आएगी 2 बजे तक, या फिर शाम को भी आ सकती है, ठीक है, क्योंकि मैं कल ही शूट करूँगी और कल ही डालूँगी। भाभी प्रैंक वीडियोस बनाए करो ना, मज़ा आता है। पता है मैं बनाती प्रैंक वीडियो लेकिन मेरे को हंसी आ जाती है, और सामने वाले बंदे को पता चल जाता है ये प्रैंक कर रही है। अब मैं वहाँ जा रही हूँ ना अपनी नंदी सास के, वहाँ वहाँ करूँगी प्रैंक उन लोग के साथ, ठीक है। दी फैमिली में कौन कौन रहते हो, कितने लोग हैं? आप ना भास्कर मेरे ब्लॉग देखना, आपको पता चल जाएगा फैमिली में कौन कौन लोग हैं। आप मेरे को सब्सक्राइब कर देना, फिर मेरे सारे ब्लॉग देखना। 3 मंथ, 3 मंथ में इतने ज़्यादा हो गए हैं? क्या किया आपने? कोई ट्रिक मुझे भी बताओ। आपकी कोई ननद है? नहीं जी मेरी ननद नहीं है, नंदी सास है, बड़ी है सबसे। दी अब सो जाओ। हाँ अभी सोते हैं। आपके हब्बी बहुत स्मार्ट हैं और उनकी मुझे बहुत पसंद है मुझे, थैंक यू। लाइव करता था पहले? अच्छा उससे बड़े होंगे आपके, ठीक। वह दुकान हमारी है बंद लॉज की, अरे वाह शामदा वाली। मुझे इतना तो नहीं पता, मेरे हस्बैंड को पता होगा, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आप फ्री में खिलाओगे क्या? मजाक कर रही हूँ। मतलब आप बोल जाना, ठीक है, वहाँ आऊँगी तो ना बोल जाना, आप वीडियो बनाऊँगी आपके साथ और आप अपने दुकान के बारे में बताना, ठीक है। लव मैरिज आ रही है आपकी,
वीडियोस देखा करो यार, पता चल जाएगा आपको लव है या अरेंज है। वीडियोस देखना मेरी रोज। अब जनेऊ में जाओगे आप? हाँ ना, मेरे भांजों का ही तो जनेऊ है, हमारे बिना कैसे हो जाएगा जनेऊ। ओके हाँ जी, भाभी मुझे भी बुला लेना प्रैंक वीडियो करने के लिए। आप तो आती ही नहीं हो सीमा हमारे घर, कब आओगी? आओ तो सही, वीडियोज ही वीडियोस बनाएंगे, यही काम तो है मेरा। वैसे हम भी चंपावत से हैं, कपलांग। अच्छा तो कपलांग तो हमारे सामने ही है, पर मैं गई नहीं हूँ, मम्मी लोगों के मुंह से सुना है ये कपलांग है करके। दी आज तक यूट्यूब में इनकम कितना? मेरी अभी तक कोई इनकम नहीं आई है मेरे भाइयों और बहनों, मेरे व्यूज ही नहीं आते हैं तो वो डॉलर नहीं बनते हैं। जब डॉलर बनेंगे तब आएंगे रुपए, मुझे रुपयों की ज़रूरत तो नहीं है। फिर एक वो होता है ना व्यूज़ की है बस, मुझे सब्सक्राइबर भी नहीं चाहिए। मेरे 1-2 हज़ार सब्सक्राइबर भी होते ना तो चलता, पता नहीं सब्सक्राइबर इतने बड़े जा रहे हैं इतने बड़े जा रहे हैं और व्यूज़ आ ही नहीं रहे हैं। यूट्यूब मेरी वीडियोस को रिकमेंड ही नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों, क्या दिक्कत आती है पता नहीं। कितना बोल रही हूँ ना मैं, इनकम के चक्कर में हो क्या? नहीं यार, इनकम के चक्कर में नहीं है, मुझे व्यूज़ चाहिए बस। इनकम तो आते जाते रहती है, इनकम की कमी थोड़ी ना है। या तो ऐसा होता कि कभी रुपए देखे ही नहीं है तो होती ना इनकम की ज़रूरत, इसीलिए। बस ये होता है कि अब 1 साल हो गया है तो थोड़ा बहुत व्यूज़ चाहिए मेरे को और कुछ नहीं। 1 साल में 12-13 हज़ार सब्सक्राइबर बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोगों के सालों साल लग जाते हैं सब्सक्राइबर बढ़ाने में, वो भी हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए। मैंने तो कहीं अपनी आईडी शेयर भी नहीं करी, बस मैं सिर्फ स्टेटस लगाती हूँ इंस्टाग्राम पे, मैं व्हाट्सएप पे भी नहीं लगाती हूँ स्टेटस। आप प्रैंक नहीं करते हो क्या? कैसा प्रैंक? कोई ना दी, हाँ यार दी, आप बताओ प्रैंक कि मतलब कैसा, किस टाइप का प्रैंक करूँ ये बताओ आप लोग। दी एक बार आपके हस्बैंड अपनी स्ट्रगल जर्नी बता सकते हैं क्या स्टडी की? वो पता है, मैंने जब इससे पहली बार आए थे ना, मैंने उनको इतना फोर्स किया था इस चीज़ के बारे में, मतलब कि बताओ करके आपने कितनी मेहनत की, क्या करी, और मतलब नहीं बताते हैं वो उन्होंने मुझे आज तक नहीं बताया इस चीज़ के बारे में, तो फिर वीडियो में क्या ही बताएंगे, वो नहीं बताते हैं अपनी पर्सनल लाइफ, इतना वो शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो फिर किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। दीदी पक्का आना वीडियो बनाएंगे? हाँ हाँ जरूर आऊँगी, अब नेक्स्ट टाइम पक्का, क्या पता इस बार भी आ सकते हैं, मेरे जेठ जी लोग आए तो क्या पता प्लान बनेगा तो आ भी जाएंगे। मैं जब आती हूँ आप घर पर मिलते ही नहीं, कब आए आप? मैंने तो देखा ही नहीं, एक बार आए थे शायद आप, वो मेरे शादी के बाद कुछ टाइम बाद, जब मेरे को सोया था आपकी शायद। गुड नाइट। ओके गुड नाइट, अभी न्यू ना आप, बट काफ़ी तरक्की होगी। थैंक यू सो मच। जीजू हैं आपके हुआ है पर बहुत पहले में फिर से आ गए। अरे वेलकम है गोपाल, आप कोई जॉब की नहीं करते हो? क्या करूं बताओ, क्या करूं जॉब करके? मजाक कर रही हूँ, मेरे को पसंद नहीं है यार जॉब करना, वरना मैंने बीकॉम किया है, एमकॉम किया है, मैं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है, मेरा मन नहीं करता है मतलब जॉब वगैरह करने का। आप कभी डीमोटिवेट मत होना, अगर व्यूज़ कम आए तो मेहनत करते हुए जाएंगे। हाँ नहीं नहीं मैं तो मेरे इसमें मतलब मेरी वीडियोस में इतने गलत कमेंट आते हैं ना, लोग तो वीडियोस बनाते हैं व्यूज़ के लिए,
कमेंट गलत कमेंट डिलीट भी कर सकते हो। मैं तो मेरे को रहता है किसका कमेंट कब आ रहा है, मैं सब पढ़ती हूँ, ठीक है, गलत कमेंट भी पढ़ती हूँ, मैं गलत कमेंट उसी टाइम डिलीट कर देती हूँ। लेकिन लोग क्या करते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेके उस पर वीडियो बना के, मतलब इतनी भद्दी बातें, ऐसा ये वैसा वो वैसा, मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगता यार। तुम्हारा चैनल ब्लॉगिंग का है तो सिर्फ वो डालो ना, मतलब लोगों को ये क्यों जता रहे हो कि यार तुम, मतलब तुम्हें फ़र्क पड़ रहा है किसी, मतलब कोई गंदा कमेंट कर रहा है तो इग्नोर करो ना, दूसरी बार से कमेंट ही नहीं करेगा। तो मतलब कि डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, सीधा चुपचाप उसको डिलीट कर दो, इग्नोर करो बस, क्योंकि व्यूज़ आते हैं तो गंदे कमेंट भी आते ही हैं और अच्छे कमेंट भी आते ही हैं, तो इग्नोर करो उनको। हाय भाभी जी, हेलो, जहाँ पहले आए थे वहीं आना। अरे आप खड़े रहे, जब मैं अब आऊँगी ना वहाँ तो, पर आपको पता कैसे चलेगा मैं आ रही हूँ, तो आप वहाँ पे रहते हो या नहीं रहते हो? अच्छा मैं समझ गई, ठीक ठीक, आपके पापा थे शायद वो, जो मतलब मेरे हस्बैंड लोग से बात कर रहे थे ना, उनके फ्रेंड भी आए थे तरुण पांडे, तो उनसे बोल रहे थे हम भी पांडे हैं, तो वही हो गए शायद। आप आवाज़ कट रही है, नेट स्लो है, घर ही रहना अच्छा लगता है शायद। हाँ घर रहना अच्छा लगता है मुझे। आप डेली ब्लॉग्स डाला करो, आप उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। यार दिन भर क्या ही बनाए फिर वीडियोस, उसमें भी व्यूज़ नहीं आते, मैंने ट्राई किया है ना। वॉइस इश्यू, क्या करूँ, नेट स्लो है। नवीना दी को जानते हो आप? हाँ इंस्टाग्राम में है, मेरे फ्रेंड है। मैं लोहाघाट से हूँ। अच्छा अच्छा अब एक दिन लोहाघाट पे मीटअप करते हैं, ठीक है, अभी की ड्यूटी है शायद। हाँ उनसे भी बात कर लो, ड्यूटी है उनकी, अभी ड्यूटी पे बात नहीं कर सकते हैं, तभी मैं लाइव आई हूँ। और वैसे भी रात को वो थके रहते हैं ना तो सो जाते हैं, इसीलिए बात नहीं कर पाते हैं। हाँ हाँ वही है। अच्छा ठीक 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 वह दुकान हमारी है। अच्छा व्यूज़ बढ़ गए दी, किस में, मेरी वीडियोस में क्या या लाइव वीडियो में? सुमन को जानते होगे, बहन है आपकी? हाँ मेरी बहन है, मैं बहन को नहीं जानूंगी लाइव में। लाइव में तो 300-400 तक भी पहुंच जाते हैं कभी कभी, लेकिन वीडियोस में तो नहीं आते हैं व्यूज़। वाओ कब आएंगे मेरे लाखों में व्यूज़, किसी दिन सपना सच होगा क्या? शीतल देव, हेलो नेहा, हेलो, कभी टनकपुर आओगे तो बताना। हाँ जी ज़रूर बताएंगे, अब अगले महीने आऊँगी खटीमा, तो किसी को मिलना होगा तो ज़रूर बताना, ज़रूर होगा दी। हाँ क्या पता हो जाए ना, किस्मत की बात है। वही देखो हीनू व्लॉग्स वाले यार कितना अच्छा ग्रो कर रहे हैं ना, पता है फैमिली में एक मेंबर अच्छा खासा ब्लॉगर होना चाहिए, दूसरे के व्यूज़ अपने आप ही आ जाते हैं। मैक्सिमम व्यू कितने हैं? मैक्सिमम शॉर्ट्स में तो आ ही जाते हैं अच्छे खासे, ठीक ठाक, लेकिन जो मैं वीडियोस डालती हूँ ना लॉन्ग वाली, उनमें आ जाते हैं, मतलब 4-5K से ऊपर नहीं बढ़ पाते हैं। 4-5K भी वो हफ्तों महीनों में होते हैं यार। हेलो नेहा, हेलो हेलो नेहा, आप तो भूल ही गए हैं, आप कौन सी वाली शीतल हो, कानाकोट वाली क्या, ये बताओ पहले तो, कहाँ से हो मैम आप? हम हैं उत्तराखंड से, मेहनत करो हो जाएगा। हाँ जी हेलो डियर, हेलो प्रमोद जी, हाय संगीता, जरूर आएंगे आएंगे ही, बस आप ऐसी मेहनत करते रहो। हाँ जी आपकी स्किन ग्लो कर रही है, मेरी स्किन पहले से ही ऐसी है यार। आप सुमन को कैसे जानते हो? हाँ अच्छा, और कैसी है शीतल? हेलो क्रिस, लग रहे हो पहाड़ी, होय होय पहाड़ी ही छूमी, थैंक यू सो मच प्रमोद जी,
लाइक भी तो करो फिर वीडियो को। आई एम फ्रॉम शिमला, आई एम फ्रॉम चंपावत उत्तराखंड। दीदी ऐसा मत बोलो, आप बोलो, सबकी अपनी अपनी मेहनत होती है। हाँ ये तो है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। पर मैंने बोला क्या यार, मेरे को तो पता ही नहीं है। ओके डन। हाँ जी जब भी वहीं रहती हूँ मैं। अच्छा हेलो भाभी, हेलो रोहित दी, मैंने अभी आपका ब्लॉग देखा, काफ़ी मस्त ब्लॉग बनाते हो आप। ब्लॉग बनाते रहो, एक दिन हीनों से भी आगे जाओगे। थैंक यू सो मच दी। हाँ मैं भी देखती हूँ ब्लॉग्स हमारे भागस के। हाँ वही तो, अच्छे बनाती है ना। सूनम हाय, हेलो सूनम। हेलो भाभी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाय दी हेलो। यार यहाँ लोमड़ी इतना चिल्ला रही है ना, सुनाई दे रहा है क्या आप लोगों को भी? सुमन के वहीं रहती हूँ। अच्छा ठीक ठीक। हाय हेलो मदन बिस्ट। हाय मिस, खाना खा लिया है? हाँ जी खा लिया। आपने खा लिया? मैं हूँ चंपावत से। आपके हेयर आपको बहुत आगे लेके जाएंगे, कटवाना मत। नहीं कटवाऊंगी तो नहीं, कहाँ ले जाते हैं ये हेयर आगे? आज तक नहीं ले गए, अब ले जाते हैं ये आगे? कभी आज तक किसी ने मेरे को प्रमोशन के लिए नहीं बोला है? वो जिनके बाल इतने होते हैं उनको इतने प्रमोशन आते हैं वो ऑयल शैम्पू के, मुझे कभी किसी ने नहीं किया। Have you any baby? No, no, no. Hi, the big fan. Thank you. Hi, Didi. Hello, Yogita. एक बार नाम बोल दो मेरा। ओ बाबा, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी थोड़ी हूँ मैं जो नाम लूँगी यार तुम्हारा। काव्या कृति कृति, हाँ अच्छा। ज्वाइन मी, इसमें ज्वाइन होता ही नहीं है, क्या करते हो यार? बस कुछ नहीं यार, कुछ नहीं करते हम। हाय दी हेलो पारुल, घाट के पास चिल्ला रही है। हाँ आगे ना, सो जाओ दी। गुड नाइट गुड नाइट, बस सोते हैं। आप बहुत प्यारे लग रहे हो। थैंक यू, मैं आपके बहुत बड़ी फैन। थैंक यू सो मच पारुल। आप लोग मेरे प्लीज़ 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 ब्लॉग देखना प्लीज़। सो ब्यूटीफुल जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और बताओ फिर दी, पूछिए आप, एक दिन आप पहाड़ को रिप्रेजेंट करोगे। थैंक यू सो मच। सोचती तो हूँ कहीं दूर दूर गाँव मैं जाऊँ, पर हो नहीं पाता है क्योंकि अभी देखा नहीं है ना मैंने रास्ता, मतलब कहाँ से कहाँ को जाते हैं, इसीलिए। थैंक यू दी, मैं आपके हर व्लॉग देखती हूँ। अच्छा थैंक यू, ओके कर देंगे पहाड़ी भाई सब्सक्राइब। गुड नाइट, आप भी बहुत आगे। थैंक यू कोमल, हाँ गुड नाइट नेहा, गुड नाइट भाभी। शाल आ रहा कौन है? मिस गो शाल, आपके हेयर इतने अच्छे हैं, कुछ बताओ है? वो कल बताऊंगी, बोला है ना आप, मैंने एक पोस्ट डाली है उस पर कॉमेंट करना, आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा वहाँ। और कल सुबह तक करना क्वेश्चन आंसर, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन होंगे उनके आंसर नहीं मिल पाएंगे। आपने बीएससी से नहीं? मैंने किया है एमकॉम, एमकॉम बीकॉम वाली हूँ मैं, बस व्लॉगिंग करती हूँ फिलहाल। तो आप संग गए हो? पिसंग मैं बहुत पहले गई थी, वहाँ मेरी बुआ रहती है, उसके बाद तो नहीं गई हूँ। अब कभी मिलेगा मौका तो ज़रूर जाएंगे। मैं भी पुलिस लाइन में हूँ मामा लोग के घर। अच्छा ठीक ठीक, कहाँ पर रहते हैं आपके मामा लोग? लंबे बालों का राज, कल पता चलेगा लंबे बालों का राज। कहाँ से हो दी आप? मैं चंपावत से हूँ दी। आप रिटर्न देना मुझे भी, आपके हर ब्लॉग देखती हूँ। ओके ठीक है, मैं भी देखूँगी आपके ब्लॉग। अनुष्का भंडारी हाय हेलो,
सो जाओ दी। हाँ बस सोती हूँ। विनीता जोशी, आपका गांव कहाँ है? मेरा मायके वाला गांव है रेगड़ू, और मेरे ससुराल वाला गांव है ढोरजा गुंदेज साइड। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड ITBP में है। जय श्री राम बेटा जी, जय श्री राम। दी आपके ब्लॉग बहुत अच्छे होते हैं, थैंक यू सो मच। तिलदा प्रमोशन हो गया क्या? तिलदा टीवी में मतलब कि प्रमोशन, अच्छा उसमें नहीं, अभी कुछ ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, मुझे बताते भी नहीं हैं, आप ही पूछना उनसे। मैं जॉब के बारे में कुछ नहीं पूछती हूँ। ऐसी कौन से गांव में? बिसंग में है, मुझे नहीं पता कौन सा गांव है। मुरारी लोग कहाँ रहते हैं? वही है। लाइक डन, ओके। हेलो हेलो महेश दानू, क्यों तो नहीं है क्या लोग वालों का? क्यों क्या मतलब पता नहीं। हेलो हाउ आर यू? फाइन एंड यू? आपकी वीडियो में तो फायदा हो गया। ओह माय गॉड, थैंक यू। कल भी आओगे क्या लाइव? क्या पता, अगर टाइम हुआ तो आ जाऊंगी, क्योंकि कल पैकिंग भी करनी है हमको, तो क्या पता। मंदिर से 4 मकान ऊपर को। कौन सा वाला मंदिर? पुलिस लाइन वाला मंदिर? लंबे बालों का राज, चंपावत का बाज का पानी है, बोलो शर्मा की। नहीं यार, क्या बोलते हैं, यूं तो ब्याह कर बेर आ रही हूँ मी, 1 साल है रहो। लंबे बाल तो पहली बठी छ, यो कोई बाजा पहन ना हाथी। आप परी हो यार, ओह माय गॉड। गुमदेश कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? गुमदेश आता है चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। हाय भाभी, हेलो। प्लीज बालों के लंबे होने का राज बता दो, कल पता चलेगा तो कह रही हूँ। वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम उत्तराखंड चंपावत डिस्ट्रिक्ट। मैंने पोस्ट डाली है, मेरी प्रोफाइल खोलो आप लोग और वहाँ जाके कमेंट करो फटाफट। अब जो नहीं कर रहा है तो उसकी मर्जी है, लेकिन कर देना कमेंट। हाय डियर, हेलो, नाइस, थैंक यू। हेलो दी, कैसे हो? बढ़िया हूँ मनीषा, आप कैसे हो? आई एम ऑल्सो फाइन, ओके। हाय बसंत जी, ओके दी, फिर हम तो सो जाते हैं। ओके ओके सो जाओ, मैं भी सोती हूँ अभी। बस कहाँ से हो? मैं हूँ चंपावत से। आपका नाम क्या है? ऊपर देखो अपनी आईडी में ऊपर। हेलो अंजू, बस अब जाती हूँ, 1 घंटा हो गया मुझे, 1 घंटे से भी ज़्यादा। पुल के पास से ऊपर को। अच्छा, आज आपका फास्ट है भाभी की आवाज़? नहीं यार फास्ट नहीं है। आपकी शक्ल पूनम बिष्ट से मिलती है। कौन पूनम बिष्ट? नीतू बिष्ट की दीदी क्या? कहाँ से मिलती है यार? एक दिन पहले दिन लाइव आई थी तो परिणीति चोपड़ा से मिलती है। बल तुम्हारी शक्ल एक कह रहा ठहरा करीना कपूर। मुझे तो इतनी हंसी आई थी क्या बताऊँ। कुछ भी मतलब यार, आपके हस्बैंड कहाँ है अभी? मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, तो जॉब में है, अपनी ड्यूटी दे रहे हैं वो। गुमदेश से हो? हाँ जी। बाय दी, सो जाओ। ओके बाय, अभी सोती हूँ, बस इन लोग का रिप्लाई दे देती हूँ। आप इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाती हैं? हाँ जी। गुड नाइट कोमल, जय श्री राम। हेलो मैम, कहाँ से हो आप? मैं हूँ चंपावत से। चंपावत से हो आप दी? हाँ जी। 1 ID से 10 कमेंट, ओके थैंक यू। मैं मस्त दी, मनीषा को पहचाना कि नहीं? आप भी कहते हो कि रोज रोज यही कहती है। हाँ, पहचानती हूँ यार। कहाँ से यार? से चंपावत, उत्तराखंड से। मैं लोहाघाट से। अच्छा, बंद करो फिर लाइव। अरे कर छु यार, कस बेचैनी है रहती। आप पूनम बिष्ट जो पूरी गढ़वाल की ब्लॉगर? पूनम बिष्ट पता नहीं यार, मैंने नहीं देखा। जय श्री राम, जय उत्तराखंड चंपावत, जय श्री राम, जय उत्तराखंड चंपावत। हाय मैम, आप बहुत प्यारी पहाड़ी रील बनाते हो, थैंक यू भट जी। बंद
अरे कर रही हूँ यार निशा, गढ़वाली अच्छी बोल रही है, मैं पौड़ी से विजय रावत। थैंक यू सो मच, सो स्वीट भाभी। आपकी तबीयत, ए कुछ तबीयत तबीयत खराब नहीं है रे मेरी, बीमार जन बना दिया आर्मी के, बस अब सोने का टाइम हो रहा है तो तब आंखें ऐसी हो रही है। सो स्वीट भाभी, थैंक यू। कब तक आ रहे हैं? जीजू का पता नहीं है कब तक आने वाले। हेलो मैम, हेलो हेलो दीदी, हमें बालों का राज बताइए। आप प्लीज़ कल को मेरी वीडियोस देखना, ठीक है? पक्का, मैं जैसे ही वीडियो डालूंगी उसके बाद मैं लाइव आऊँगी और आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगी कि मैंने वीडियोस डाल दी है, आप लोग देखो करके, ठीक है? हम भी वहीं से हैं यार से। अच्छा, गुड नाइट, गुड नाइट। अच्छा, आप नेहा हो? नहीं, मैं पूजा हूँ, जिसने कुमाऊं के लड़के से लव मैरिज की है। कौन है यार? मैं नहीं जानती हूँ। मैं सबको सब्सक्राइब करता हूँ, तुम लोग मुझे क्यों सब्सक्राइब नहीं करते? सुबेटी थैंक यू। आप क्या करती हो? बस कुछ नहीं, गुड नाइट भाभी। मैं आराम से हूँ बेटा। अच्छा जी, थैंक यू सो मच अंकल। तो गाइस गुड नाइट, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में, तब तक के लिए बाय। कहाँ से करते हैं लाइव?